द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन्स टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 18 विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर टेंजेंट का इक्वेशन बताना है इस हाइपरबोला पर। तो हाइपरबोला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई 18 माइनस टू वाई स्क्वायर बाई 18 इक्वल टू 1। 18 से डिवाइड किया एक्स स्क्वायर बाई और 18 यहाँ लिखेंगे, 2 से डिवाइड करें, 2 से कट करेंगे 18 को 9 होगा, तो वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। और ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन है वाई इक्वल टू एक्स, तो स्लोप कितना होगा इस लाइन का, स्लोप हो जाएगा 1। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बताना है जो इस पर परपेंडिकुलर होगा, जब परपेंडिकुलर है तो स्लोप कितना आ जाएगा टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा -1, परपेंडिकुलर है ना। तो टेंजेंट का इक्वेशन होता है हाइपरबोला में स्लोप फॉर्म में वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टेंजेंट का इक्वेशन होता है। एम का वैल्यू कितना हो गया, माइनस में रख देंगे, तो वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ठीक प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 18 है, एम का वैल्यू -1 है, स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर है 9। तो ये जो माइनस इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये एक्स प्लस वाई है ना, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 18 माइनस 9, 9। अच्छा ऑप्शन में वाई इधर ही है, एक्स को उधर ही रहने देना है, तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस माइनस 3 होगा, यही हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ओके